व्हाट्सअप गाइस, इस हमारा में तो आज मैं लेकर एक और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि हमारी एक स्मार्ट वॉच जो है, हमारी नाम है इसका T55। तो दोस्तों ये हमारी एप्पल की जो स्मार्ट वॉचेज आती हैं काफ़ी महंगी आती हैं, 50,000 30,000 से लेकर आती 70,000-80,000 की मॉडल्स आते हैं, उन्हीं का रेप्लिका है। थोड़े बहुत फीचर जो है उस घड़ी के वो इस घड़ी के अंदर हैं, और अगर आप देखने में कहेंगे तो देखने में तो दूर से आपको पता ही नहीं चलेगा कि एप्पल की वॉच है या नहीं है। दोस्तों काफ़ी वीडियोज में मैंने देखा यूट्यूब के लोग इसे कहते हैं 44mm की है, और मैं आपको बताऊंगा 44mm की नहीं है, ये हमारी 40mm की घड़ी है। और आपको कैसे पता करना है, बहुत छोटा बहुत इजी तरीका होगा, मैं आपको अपनी वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि 40 या 44mm, बहुत छोटा तरीका है। तो दोस्तों वीडियो होगी काफ़ी लंबी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोज में देखा है वो पूरी तरीके से बता नहीं रहे हैं कि आपको कैसे कॉन्फिगर करना है। मैंने भी वीडियो देखी है घड़ी के बारे में जानने के लिए, पर मैंने पहले सारे फीचर्स चेक करे हैं और फिर मैं इनके एक एक सॉफ्टवेयर जो ये एप्लीकेशन है इसका मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे एप्लीकेशन आपने कॉन्फिगर करनी है ताकि आपको वो दिक्कत ना हो। एक दो दिक्कतें मुझे आई हैं, मैं वो भी बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, क्योंकि आखिरकार ये एक तो कॉपी घड़ी है और एक दो फीचर्स कभी कभी कुछ खराब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी नहीं कि घड़ी में कोई खराबी है, पर कभी कभी हैंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों ये हमारी वॉच का बॉक्स है और ऊपर देखेंगे हमारी घड़ी का जो है नाम लिखा हुआ है T55, ऊपर इसका जो डायल बना हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे छोटा सा ब्लू कलर का हमारा स्टिकर लगा हुआ है डॉट से। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस कलर का स्ट्रैप इस घड़ी के अंदर बॉक्स के अंदर है वही कलर का अंदर स्ट्रैप आपको मिलेगा। तो आपको अगर और मल्टी कलर लेनी हो तो आपको दूसरे ऑरेंज भी आती है, वाइट भी आती है, अलग अलग कलर्स आते हैं, तो आपको वो कलर चूज करने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये बॉक्स जो है पूरा पूरा सील पैक्ड आता है, इसलिए तो आपको बॉक्स खोलना नहीं पड़ेगा। बाकी बॉक्स की क्वालिटी अगर हम देखें तो ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी नहीं, बहुत बढ़िया नहीं है, पर अगर कोई गिफ्ट करनी हो तो भी आप किसी को गिफ्ट इजीली कर सकते हैं। तो साइज को खोल के देखते हैं, तो देखिए बॉक्स खोलते ही हमें मिलती है यहाँ पे हमारी वॉच। तो वॉच को अभी के लिए साइड रख देते हैं, और साथ में हम देखें तो हमें मिलते हैं स्ट्रैप्स, और इसके अंदर हमें दो कलर के स्ट्रैप्स मिलते हैं। ये जो स्टिकर होता है हमारी वॉच के ऊपर, हमारे डायल के ऊपर लगा होता है, तो मैंने ऑलरेडी खोल चुका हूँ। तो देखिए प्लेन एकदम क्लासिक ब्लैक, अगर किसी को डिज़ाइन चाहिए हो तो बहुत ही सटल डिज़ाइन है, और एकदम ब्लैक कलर का स्ट्रैप है हमारा, और दूसरा जो है हमारे बॉक्स के ऊपर जो बनाई हुआ था ब्लू कलर का, तो देखेंगे ये हमारा ब्लू कलर का स्ट्रैप है। तो दो स्ट्रैप हमें इसके साथ मिलते हैं, और अगर हम इसको निकालेंगे तो इसके अंदर हमें मिलती है एक बुकलेट जो कि हमारी आधी चाइनीज में है और आधी इंग्लिश के अंदर, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में मिलता है हमें चार्जर का डॉकिंग स्लॉट, तो देखेंगे हमारा USB चार्जिंग है। तो इसकी फ़ायदा क्या है कि किसी भी चार्जिंग के अंदर, गाड़ी के अंदर आपके पास पावर बैंक हो, कितने भी वॉट का चार्जर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बस लगाइए, क्योंकि आपकी घड़ी को बहुत ज़्यादा कोई पावर की ज़रूरत नहीं होती, तो आप बस लगाइए अपनी घड़ी को। और यहाँ देखेंगे तो ये मैग्नेटिक होता है, तो यहाँ देखेंगे हमारा ये जो है इजीली सेट हो गया है। अगर आप इसको लगाना हो तो आपको इसको डबल टेप आप यहाँ पर लगा लीजिए, अपनी साइड टेबल पर रख दीजिए, क्योंकि ये हल्का सा होता, हिलेगा नहीं। और देखिए यहाँ पर हम घड़ी अपनी लगा देंगे और इजिली आप अपने चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको चार्ज करना हो तो देखेंगे मेरे पास एक छोटा सा ईयरफोन्स का है, इसकी पावर ऑलरेडी लो ही होती है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, देखेंगे हमारी घड़ी जो है चार्जिंग के लिए ऑन हो गई है, तो देखिए यहाँ पे आ रही है कि हमारी बैटरी जो है चार्ज हो रही है। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट नहीं है, क्योंकि पावरफुल मैग्नेट अगर इसकी चिपकने के लिए होगी तो अगर आप इसको ऐसे उठाएंगे घड़ी को तो आपका जो है चार्जिंग डॉक भी साथ में निकल आएगा, तो इसलिए जो है मैग्नेटिक बहुत स्ट्रांग नहीं होती किसी भी वॉच के अंदर चार्जर की। तो सही इसको ऑन करके देखते हैं इसके फीचर्स कैसे कनेक्ट करने हैं। तो उससे एक चीज बताना भूल गया कि अगर आपको चेक करना हो कि ये स्क्रीन 44mm की है या हमारी 40mm की, तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे देखेंगे डायल तो हमारा काफी बड़ा है, पर जो हमारी LCD डिस्प्ले है वो आपको अलग से, अगर आप स्क्रीन बंद करेंगे तो नज़र आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी LCD डिस्प्ले ख़त्म हो रही है। तो आपको क्या करना है, मेजरिंग टेप लेनी है, ये देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं शुरू से शुरू करूँगा तो ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारा जो है काफ़ी आगे है, तो मैं शुरू करता हूँ 3 से।
तो देखिए बिल्कुल अगर मैं इसके स्क्रीन के कॉर्नर पर टिका तो तीन, और यहाँ देखें हमारी एकदम कॉर्नर से आपको कनेक्ट करना है तो देखेंगे एकदम सात पे खत्म हो रहा है। मैं एक बार फोकस सही कर देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। तो देखिए तीन से लेके सात पे खत्म हो रहा है तो हमारे एकदम चार सेंटीमीटर मतलब 40 mm। तो ये हमारी 40 mm की, किसी को अगर गलतफहमी हो तो आप इसको जरूर ऐसे साइज चेक करके आप चेक कर सकते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। दोस्तों ये देखिए हमारा घड़ी का डायल है और क्वालिटी काफी अच्छी है, पूरा हमारा मेटल का फ्रेम है और काफी हैवी घड़ी है, ऐसा नहीं लग रहा कि लोकल क्वालिटी की लग रही है। और साथ में देखेंगे हमारा ये रोलर है, ये हमारा रोल तो नहीं चलता पर जो कि हमारी कॉपी वॉच है, पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये खाली प्रेस होता है, आप इसके बटन से अपने फीचर चला सकते हैं। और एक और बटन है हमारा, इस बटन से भी आप अपने फीचर ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आपको ओके करना हो तो। मोस्टली ये टच सेंसर से चलती है तो टच सेंसर काफी अच्छा है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। और पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा हार्ट रेट सेंसर, और यहाँ पे हमारा जो चार्जर मैग्नेटिक डॉक का है वो है, और साइड में हमारी है स्पीकर ग्रिल जो आपको गाने सुनने के लिए काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम है। अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप इसमें गाने भी सुन सकते हैं, पर आप प्रेफर करूँगा कि फ़ोन की वॉल्यूम से सुनिए। मेनली जो है स्पीकर है आपको ऑडियो कॉल्स के लिए है, आपको किसी से बात करनी हो तो आप इस स्पीकर से ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे स्ट्रैप्स हैं और मैं स्ट्रैप लगा के दिखाता हूँ आपको, तो देखिए इजीली हमारा जो स्ट्रैप जो है फिट हो जाता है। तो देखिए हमारा जो स्ट्रैप जो है फिट हो गया और काफी अच्छी लग रही है ब्लैक कलर की वॉच, ब्लैक कलर का स्ट्रैप। अगर आपको दूसरा कलर चाहिए तो आप ऐसा करिएगा, उसको आप एडिशनल स्ट्रैप भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही स्ट्रैप लगाने पड़ेंगे, और कलर्स के भी आते हैं, और कलर के स्ट्रैप ले सकते हैं घड़ी अगर आपके ऑलरेडी है तो। देखेंगे यहाँ मैंने ये स्ट्रैप लगाया और ये मैंने दूसरा स्टेप लगाया। तो देखेंगे अब आपको कहीं बाहर जाने के लिए कुछ स्पोर्टी लुक चाहिए तो अगर आप अब गए इसको घड़ी को पहन के दिखाता हूँ। तो आप इसको ऐसे जो है इसको होल के अंदर आप इसको दबा दीजिए और इसको हम डाल देंगे अंदर। तो देखेंगे घड़ी जो है मैंने पहन ली है और बड़ी अच्छी लग रही है। आइए इसकी सेटिंग्स करके देखते हैं ऐप्स में क्या क्या फीचर्स हैं, इसका ऐप से आपको कैसे कनेक्ट करना है इसको। दोस्तों ये हमारी घड़ी की जो है अगर हम देखें तो हमने घड़ी जो ऑन कर ली है, और यहाँ पे देखें एप्पल का जो बेसिक जो है 2-3 साल पहले जो मॉडल आया था उसके अंदर ये बटरफ्लाई का लोगो था। और घड़ी देखेंगे आप 5 से 6 सेकंड के अंदर जो है इसकी स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है, और ये हमारा होम स्क्रीन बटन है। और अगर हमें जैसे किसी ऐप के अंदर जाते हैं एग्जांपल, तो अगर आपको बैक करना हो तो आप इससे बैक कर सकते हैं। तो देखिए इससे मैं बैक चला गया और मैं फिर से बैक चला गया, तो इसके सिंगल बैक और ये डायरेक्ट आपका एक होम स्क्रीन पे चले जाता है। तो अगर आप पे देखें घड़े के अंदर बहुत सारे हमारे स्क्रीन्स हैं, अगर आप इसको दबाए रखेंगे, देखिए 2-3 सेकंड के लिए दबाए रखेंगे तो ये चेंज हो गई, फिर से दबाऊंगा तो देखिए ये आ गई, और काफ़ी सारी वॉचेज हैं इसके अंदर, आपको जो अपनी डिज़ाइन से पसंद आए आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे हमारे डिज़ाइन हैं, ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी फेमस डिज़ाइन है और दिखने में काफ़ी शार्प और काफ़ी बड़े जो हैं इसके ग्राफिक्स लगते हैं हमें घड़ी के। तो इसको मैं करता हूँ बैक, आइए देखिए हमारे है स्क्रीन का मेन्यू, और ये देखेंगे जैसे कि आप एप्पल के मेन्यू की तरह एकदम वैसे ही होता है, पर ये थोड़ा लैग करता है, आप इसको यूज़ ना करें, आप थोड़ा इजी व्यू के अंदर जाएं, और इजी व्यू के अंदर आपको करना पड़ेगा बस ये देखिए इस वाले बटन को दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे 4 places में आप क्लिक करेंगे तो आपका एकदम नॉर्मल और इजी व्यू आ जाएगा। तो आप इसको ऊपर स्लाइड अप स्लाइड डाउन अगर करेंगे तो देखेंगे के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, स्टेप्स है, हार्ट रेट सेंसर है, अगर मैं हार्ट रेट सेंसर को क्लिक करूँगा तो देखेंगे हमारी जो है यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर चल पड़ेगी। आइए मैं इसको अपने ऊपर रख के देखता हूँ हाथ के ऊपर, तो थोड़ी देर में जो है इसका आ जाना चाहिए अपने आप। मुझे पता नहीं कितनी देर के लिए रखना होता है, तो देखेंगे आ गया, देखिए तो जो का आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर वगैरह सब जो है इसके अंदर आ गया।
और इसके अंदर फीचर्स है, अपना डायलर है, आप अपने आप किसी को कॉल भी कर सकते हैं। अभी हम फ़ोन से पेयर करूँगा तब आपको बताऊँगा कि इसको कैसे करना है डायलर यूज़। फ़ोन बुक है, अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं, रनिंग सेटअप्स ये आपकी थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए सारी हैं। और हम जाएंगे देखिए म्यूज़िक, यहाँ से गाने अपने कंट्रोल कर सकते हैं, स्लीप मोड पर से कैमरा चला सकते हैं अपने फ़ोन से, और अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर्स हैं हमारे। तो मैसेज हैं, अपना फ़ोन अगर आपको फाइंड करना होता है इसे आप लुकिंग से फाइंड कर सकते हैं, स्टॉप वॉच है इसके अंदर। और हम देखेंगे देखिए QR कोड है जिससे आप अपनी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, फ़ोन को रीसेट भी कर सकते हैं। तो उस आइए इसको पेयर करके देखते हैं फ़ोन से। तो दोस्तों ये जो हमने अपनी ऐप अब खोल ली है और यहाँ पे कुछ चाइनीज़ के अंदर आता है, आपको बस उसको एग्री करना है और यहाँ पे सब इसको अलाउ करना है, अपनी लोकेशन को, अपने फ़ोन की एक्सेस को, और अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अभी आपको लॉगिन के लिए पूछेगा, आप स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आपको परमानेंटली अपना जो है फिटनेस का जो पूरी ट्रेनिंग जो है सेटअप आपको करना है तो आपको इसको लॉगिन आपको करना ज़रूरी होगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आपने रोज़ कितने रनिंग करी है, कितनी देर खेला है, कितनी देर आपका हार्ट रेट सेंसर है, क्या आपका जो है मेजरमेंट है, वो आपको उसके लिए लॉगिन करना होगा। तभी के लिए हम स्किप कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको आपको परमिशन देनी पड़ेगी नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जो है आपकी व्हाट्सएप और बाकी डिवाइस की नोटिफिकेशन जो आपकी वॉच पे आ सके। तो हम यहाँ पे इसको अलाउ कर देते हैं। अब वापस हम इसको बैक करेंगे तो यहाँ देखेंगे सेट का ऑप्शन आएगा, हमें डिवाइस अपना कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे ब्लाइंड डिवाइस टू एक्सपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो वॉच का जो हमारा ब्लूटूथ है वो ऑलरेडी ऑन ही होगा, आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए वॉच आ गई है हमारी T55 करके, इस पर क्लिक करेंगे और अपने आप देखेंगे हमारी घड़ी का टाइम अभी 00 है, अपने आप जो है चेंज हो जाएगा। देखिए घड़ी अभी हमारे 4 बज गए, पहले 12 बज रहे थे। तो यहाँ पे पेयर का ऑप्शन है, हम इसको पेयर कर देते हैं। तो जो है मोस्टली हमारे सारे फीचर्स जो हैं इससे कनेक्ट हो गए हैं। ऊपर जो देखेंगे सिंक कर रहा है राइट साइड पे, कॉर्नर पे सर्कल घूम रहा है, ये घड़ी से जो हमारा अपना पेयरिंग कर रहा है, जो जो अपनी सेटिंग्स हैं वो सारी सारी से कनेक्ट कर रहा है। तो नीचे जाएंगे, ये जो स्टेप लिखा है, स्टेप के बाद आपके जो जो फीचर्स हैं, जो जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, कितना खेला, क्या आपका हार्ट रेट सेंसर, आपकी उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे सेकंड अगर जाएंगे नीचे सेट पे, तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे ब्राइट स्क्रीन का। तो दोस्तों ब्राइट स्क्रीन का मतलब ये होगा कि जैसे भी अगर आप वॉच अपनी देखने के लिए ऐसे हाथ यूँ करेंगे तो आपका जो है स्क्रीन में ऑटोमेटिकली टाइम आ जाएगा, अगर ऑफ होगा तो आपको हमेशा आपको बटन दबाना पड़ेगा आपको टाइम देखने के लिए। तो इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए ओके। और यहाँ देखेंगे अगर मैं घड़ी को अपनी पहन के देखता हूँ तो ये हमने वॉच अपनी पहन ली ऐसे, और अगर मैं अपनी कलाई जो है ऐसे घुमाऊँगा जैसे कि अगर मैं नॉर्मली यूँ बैठा होता हूँ और यूँ घड़ी करूँगा तो यहाँ जो है हमारी देखिए स्क्रीन जो है लिड हो गई है। तो जब भी आपको करना हो तो आप उसको हाथ खाली ऊपर करना है। तो बस ये आप मैं फीचर एक्टिवेट नहीं करूँगा क्योंकि बैटरी काफ़ी खाता है। तो आइए बैक करते हैं, अगले फीचर में जाते हैं D&D मोड पे। D&D मोड का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन आपकी वॉच के ऊपर जो है कोई भी जो है नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, आपको व्हाट्सएप जो भी मैसेजेस हैं वो वॉच के ऊपर नहीं आएंगी। तो जब भी आपको ये करना हो तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा है अलार्म, अगर आपको अलार्म लगाना है, आइए मैं ला के देखता हूँ अभी का, आज जैसे मंडे है तो मैं कंफर्म करता हूँ। पर अलार्म में खाली वाइब्रेशन होती है, इसमें वो बजता नहीं है, जैसे वो बीप बीप करना पड़ता है, पर मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है। तब तक हम अलार्म का वेट करते हैं। तो और दूसरे फीचर देखते हैं, दूसरा हमारा फीचर है लॉन्ग सिट रिमाइंड। तो जो लोग ऑफिस में काफ़ी देर बैठ बैठ के अपना काम करते हैं तो उसके लिए स्पेशली ये फीचर है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो देखिए हमारी घड़ी का जो अलार्म जो है बज पड़ा है। तो खाली वाइब्रेशन हुई है 2 बार, बीप या आवाज़ कोई नहीं हुई, मुझे पता नहीं इसमें होती है कि नहीं होती, पर इसके अंदर आवाज़ जो है नहीं आई है हमारी। तो मैं बात कर रहा था लॉन्ग सीट रिमाइंड की। तो इसमें जैसे ही अगर आप टाइम टाइम लगे थी मुझे 1 घंटा अपना काम करना है, और बहुत लोग बैठे बैठे काम करते रहते हैं घंटों तक, तो उसके लिए फ़ीचर बहुत ही अच्छा है। आप इसे अलार्म लगा लीजिए कि आपको खड़ा होना है तो 1 मिनट के लिए आप चक्कर लगा के वापस बैठ जाइए। तो उससे क्या होता है आपकी जो है बॉडी जो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, बैठ बैठ के आप ज़्यादा थकते नहीं हैं। तो यही हमारे फीचर से। इसके बाद आएगा हमारा फाइंड का फीचर।
तो अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपकी घड़ी जो है आपको पता चल जाएगी। इसमें भी बीप के अलावा इसके अंदर आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी घड़ी खो जाए तो आप वाइब्रेशन तब होगी जब आपके हाथ में होगी। अगर ये रूम के दूसरे कोने में होगी तो इसके अंदर वाइब्रेशन आनी चाहिए। तो इसकी जो है ऑडियो फीचर्स के अंदर मैंने अपना ऑडियो बंद कर रखा है, तो अगर आपको इसको ऑन करना हो तो आप ऑन कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आपकी इसके अंदर भी है, अगर आप जाएंगे तो, कि यहाँ पे आप अपनी घड़ी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है फ़ोन, ये देखिए, अगर मैं अपना फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, मैं इसको लुक को दबाता हूँ तो आई थिंक मेरी स्क्रीन जो है जल जानी चाहिए। तो ये ऐसे ही काम करता है, कभी कभी करता है, नहीं करता, तो ये फीचर पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। तो देखिए मेरे फ़ोन की लाइट जल गई है, पर फिर भी देखेंगे आवाज़ नहीं आई है, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है अभी साइलेंट पे था इसलिए। दोस्तों देखिए और हमारे फीचर्स क्या हैं इसके अंदर, देखिए मैसेज पुश। अब मैसेज पुश के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो आपको अपने मैसेज के जो है रिमाइंडर जो हैं आपको अपने घड़ी के अंदर चाहिए, सपोज़ कि जैसे व्हाट्सएप हो गया, तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक कर देता हूँ, जो जो भी मेरे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप के मैसेजेस आएंगे वो मेरी वॉच के अंदर आ जाएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, ऊपर से आपको नीचे करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी नल है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी मैसेज नहीं आए हैं, और मेरा फ़ोन ऑलरेडी फ्लाइट मोड पे है तो भी मैसेज आएंगे भी नहीं, तो आपको मैसेज जो है आ जाएंगे। और बाकी जो है किसी भी ऐप से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अब ये फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स का मतलब क्या हुआ, कि अगर आपको कोई जो है कुछ खास लोग हैं जिनको आपको एमरजेंसी कॉल पे रखना है, तो आप यहाँ जाएंगे, उनको अपनी जो है लिस्ट में आप अपने एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे किसी को भी ये मैं इसको डालूँगा तो यहाँ देखेंगे हमारा जो है बुक के अंदर कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ नाम आ जाएगा। अगर आपको फ़ोन देखेंगे, फ़ोन बुक में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है हमारे जो मैंने कॉन्टैक्ट्स ऐड करे हैं वो हमारे आ गए हैं। तो आप कितने भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स अपने ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारी डायलर सेटिंग्स है, इससे आपको कॉल का जो डायल जो है वो आप कर सकते हैं, वो फ़ोन पे कर सकते हैं, इससे आप अपना फ़ोन पे रीसेट कर सकते हैं, पर इससे आपका फ़ोन जो है रिमूव नहीं होगा, पेयर आपका फिल भी रहेगा। अगर आपका बिल्कुल फॉर्मेट डाटा अपना सब उड़ाना है आपकी घड़ी से, तो आप इसको पूरा कर दीजिए, कन्फर्म करूँगा तो मैं सारा का सारा डाटा और मेरा जो है फ़ोन अनपेयर भी हो जाएगा। बाकी अदर फीचर्स ये हैं कि देखेंगे हमारा वाइब्रेशन का ऑप्शन है, हमारा वाइब्रेशन अगर आपको ऑन करनी हो तो यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन या ऑफ ऑफ कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी बैटरी काफ़ी बचेगी। बाकी जो है हमारे फिट का मोशन ऑप्शन है, आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा ये सारे फीचर यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले वो अपने कैमरे का फीचर यूज़ करके देखेंगे, तो आइए घड़ी को ऑन करते हैं और यहाँ ढूंढते हैं हमारे कैमरे को। तो यहाँ मैं कैमरे पर क्लिक कर दूंगा, तो देखें कैमरे पर क्लिक करते ही हमारा जो है कैमरा जो है ऑन हो गया है। और ये फ़ोन का पता नहीं कौन सा कैमरा यूज़ करता है, क्योंकि जो नॉर्मल मेरा कैमरा है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये आई थिंक कौन सा कैमरा यूज़ करता है मुझे पता नहीं है इस, क्योंकि जो इसके अंदर कैमरा खुलता है उसकी क्वालिटी होती है काफ़ी लो, और आपकी फ़ोटोज जो है ज़्यादा अच्छी नहीं आएंगी। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो देखेंगे टाइमर आ गया हमारे पे, 3 सेकंड का टाइमर होता है, और आप फ़ोटो जो आपकी खींच जाएगी, और आप उस फ़ोटो को अपनी गैलरी के अंदर जहाँ भी आप चाहें उसको सेव कर सकते हैं। आइए इसको बैक करते हैं। आप वैसे ही सेम चीज़ आप अपनी ऐप के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे मैं ऐप पे क्लिक करता हूँ रिमोट टेक फोटोज़ को, तो देखेंगे अपना मेरी घड़ी के अंदर जो है ये ऑप्शन खुल गया है। आइए इसको बैक करते हैं और अपने फीचर्स चेक करते हैं अपनी घड़ी के अंदर के। दोस्तों अगला फीचर होगा हमारा डायलर का, और आप डायलर से किसी को भी कॉल मिला सकते हैं यहाँ से, तो जो घड़ी का जो स्पीकर है वही आपका काम करेगा। देखेंगे अपने एक फ्रेंड को नंबर मिलाता हूँ मैं, तो देखें मैं इसको कॉल मिलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन में जो है नंबर मिल पड़ेगा। आप देखेंगे स्क्रीन पे जो है कॉल जो है मिल गई है हमारे, ये देखेंगे तो ये जो स्पीकर है हमारा, तो यहाँ का स्पीकर चल रहा है, तो ये जो स्पीकर है हमारा जो है घड़ी का स्पीकर चल रहा था, और स्पीकर जो है बात करने के लिए खाली अगर आप अकेले कमरे के अंदर हों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाहर होगा तो थोड़े से शोर की आपको कमी रहेगी इसके अंदर। अगला जो फीचर है हमारा जो है वो होगा म्यूज़िक का, और हम जाएंगे यहाँ पे जैसे कि
तो हम जैसे फ़ोन में बैठे हैं और फ़ोन हमारा कनेक्टेड है, तो फ़ोन के अंदर हम यहाँ जाएंगे, जैसे रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक चला के देखता हूँ मैं, कोई जैसे ही मैं प्ले करूँगा मेरा गाना जो है वॉच में बजेगा, फ़ोन में नहीं बजेगा। आपने 3 मंथ वैक्सीनेशन के बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा? तो ये देखिए हमारा म्यूजिक जो है चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ फोन के ऊपर पॉज करूंगा तो देखिए यहाँ पॉज हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप अपनी घड़ी से भी यूज कर सकते हैं। तो म्यूजिक पे जाएंगे, ये देखिए मैं पॉज करता हूँ, देखिए पॉज हो गया। अब मैं प्ले करूंगा तो मैं गाना नेक्स्ट भी कर सकता हूँ इससे। तो देखिए गाना जो है हमारा नेक्स्ट हो गया है। तो ऐसे ही आप अपना जो है कनेक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर फ़ोन की जो लाइब्रेरी है उसको भी आप, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब भी चलाएंगे, कहीं भी आपके फ़ोन में गाना हो तो आप उसको यहाँ से अपने म्यूज़िक वाली ऑप्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब मेरा और ऑप्शन बचा है जो है मैसेजेस का। तो अगर आपको मैसेज देखने हो तो आपको बस घड़ी आपको ऑन करनी है और ऊपर से नीचे स्लाइड करना है, तो आपके जो हैं बड़ी ऊपर से स्लाइड करेंगे तो मैसेज आ जाएंगे। तो देखिए मैंने अपने किसी और नंबर से मैसेज भेजा है, फिर से लिख के भेजता हूँ देखेंगे। तो अगर मैं देखें ऑन करता हूँ तो यहाँ देखेंगे तो थोड़ी देर में मेरा मैसेज जो है पहुँच जाएगा। ये देखेंगे यहाँ जो है मेरे सारे व्हाट्सएप के जो मैसेजेस आए जा रहे हैं वो आ रहे हैं, आप इनको मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। और ये सबसे लास्ट में मैंने अपने आपको हेलो भेजा है। तो यही ऑप्शंस है हमारे, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। आपके टेक्स्ट मैसेजेस भी आ सकते हैं इसके अंदर, जो जो आपके ऐप्स हैं, जो भी सोशल नेटवर्किंग फेसबुक वगैरह सबके मैसेज आपको आ सकते हैं, तो आप इजीली मैसेजेस ऑन द स्पॉट आप देख सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी T55 स्मार्ट वॉच जो कि हमारी एप्पल की कॉपी है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो फीचर्स हैं वो काफ़ी सही हैं। और ये मैंने ली थी अप्रॉक्सीमेटली 2000 की लगा लीजिए आप, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग प्राइसेस मिलेंगे, 150, 200, 300 ऊपर नीचे हो सकता है, पर मस्ट वॉच है। आप 2000 की घड़ी के अंदर जो फीचर्स आप उम्मीद करते हैं उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ही हैं। तो सभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।